तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यहाँ भूकंप से करीब 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हैं। तुर्की में आए भूकंप की जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो बेहद भयानक है। कैमरों में कैद भूकंप का मंजर बेहद डराने वाला है। दुनिया ने कई साल बाद भूकंप के चलते ऐसा मंजर देखा। 7.8 तीव्रता के भूकंप ने पूरे तुर्की को हिलाकर रख दिया। हालांकि ये बात शायद ही सबको पता होगी कि तुर्की में भूकंप आना आम बात है। कई बार तो यहाँ एक साल में हजारों दफा भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की में हर दूसरे महीने भूकंप के झटके लगते रहते हैं। तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक अकेले साल 2020 में 33,000 से अधिक भूकंप की घटनाएं यहां देखने को मिल चुकी हैं, जिनमें से 322 बार आए भूकंप की तीव्रता 4.0 से भी अधिक थी। पिछले साल भी दुनिया के 3 सबसे घातक भूकंप तुर्की या उसके आसपास के क्षेत्र में आए थे। जनवरी में पूर्वी एलेजुब में 41 लोग मारे गए थे। वहीं उसी साल अक्टूबर में पश्चिमी इजमिर में 6.6 तीव्रता के भूकंप में 117 लोगों की मौत हो गई थी। तुर्की में 1939 में भी 7.8 का तेज भूकंप आया था, जिसमें 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तुर्की में बार बार भूकंप आने की वजह टेक्टोनिक प्लेट्स है। लगभग 8 करोड़ की आबादी वाला देश 4 टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा है। एक प्लेट के हिलने से भी पूरा क्षेत्र जोरदार झटके महसूस करता है। तुर्की का सबसे बड़ा हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर बसा है, जो 2 प्रमुख प्लेटों यूरेशियन और अफ्रीकी और एक छोटी अरेबियन के बीच स्थित है। अफ्रीका और अरब प्लेट जैसे ही शिफ्ट होती है, पूरा तुर्की जोर से कांपने लगता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।